मन में कभी ये कुंठा मत रखना कभी भी कि मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है। पर जिसके पास साधन है वो तो साधन से जा सकता है, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है वो क्या करे? बाबा भगवान खुद आते हैं चलते, नहीं आते। हनुमान जी को देखो क्या कहा प्रभु से, तापर मैं रघुबीर दोहाई, नहीं जानत कछु भजन उपाय। सौगंध खा के कहा था राम जी की, कि आपकी सौगंध खा के कहता हूं मैं कोई भजन उपाय नहीं जानता। हम जानते हैं कि तो बावड़े हैं, इसलिए कह दिया हम तो जानते हैं। रामायण पढ़ लो, सुंदरकांड पढ़ लो, इन मंत्रों का जाप कर उनका कर लो, राम जी मिल जाए। हम तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते, इसलिए उन्हें कह दिया कि साहब नहीं जानते कुछ भजन उपाय। मैं तो कोई भजन उपाय भी नहीं जानता। विभीषण जी ने क्या कहा? साधन नहीं है। तामस देह कछु साधन नाही, ओहो प्रीत ने पद सरोज मन माही, और चरण कमलों के प्रति मन में कोई प्रीति भी नहीं है, फिर भी अपना लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब तक हम अधचल रहेंगे तब तक हम छलकेंगे, जब हम पूर्ण हो जाएंगे तो हनुमान जी की तरह सौगंध खाकर कहेंगे कुछ नहीं जानता। विभीषण जी की तरह हाथ जोड़कर कहेंगे प्रभु तामसी देही है, कोई भजन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, प्रेम भी नहीं है। अब जिसके पास साधन नहीं था खुद चल के गए, साधन वाले रह गए, इसलिए मन में कुंठित होने की जरूरत नहीं कि हमारे पास साधन नहीं है। सबरी मैया को देखो, अधम है अति नारी, तिनमें मैं मति मंद गंवारी। नीचों से नीच, नीचों में नीच थी वो, मति मंद गंवार थी वो, लेकिन अहेतुक कृपा वहां भी हुई तो यहां भी हो सकती है। दो ही चीजें कल वाली, श्रद्धा और विश्वास कायम रखो।